गाइस अभी हम निकल रहे हैं अपनी डेस्टिनेशन पे और घर कोई देख रहा है? हाँ जी सर, स्वयं मेरा दोस्त रात में लोग हमें देखते जा रहे हैं कि हम कर क्या रहे हैं, क्योंकि सभी के लिए नई चीज़ है। तो सुन, मैं बताता जा रहे हूँ चलो बंद करें निकलो। अरे भाई साहब, ये बॉम्बे से आए हुए हैं, बॉम्बे से तुम वड़ा पाओ और बॉम्बे बर्गर हो गया, बॉम्बे बॉम्बा जी हो गई, और अपना जो बॉम्बे अपना वेज कोर्स सैंडविच, जो बॉम्बे की आइटम है जो है फर्स्ट टाइम जो है अमृतसर के अंदर स्टार्ट की है। और पूरे मैंने सर्वे किया, पूरे अमृतसर में कोई भी बॉम्बे की आइटम कहीं भी नहीं है। छोले टिक्की छोले सब कुछ है, बाकी बॉम्बे की कोई भी नहीं है। इसे टोटल जो है बॉम्बे की आइटम स्टार्ट की है आपने। हाँ, ओपनिंग भी आज क्या अच्छे टाइम पे आ गए सब, आज ही ओपन हुई है, हम वीडियो बना रहे हैं आते ही। तो अंकल आप थोड़ा मेन्यू बता दो, क्या क्या मिल जाएगा आपके इधर? ये मेन्यू जो है कहने को लगा हुआ है बॉम्बे चीज वड़ा पाव, बॉम्बे चीज वो बर्गर, बॉम्बे टोस्ट वेज टोस्ट सैंडविच, चीज आएगी सारी आइटमें, और बॉम्बे पाव भाजी। ठीक है जी। तो अंकल सबसे फेमस क्या चीज़ है आपके यहाँ पे? सबसे फेमस जो है, वैसे तो सब कुछ है लेकिन सबसे फेमस है बॉम्बे वड़ा पाव चीज से। और अमूल बटर है और अमूल चीज क्यू। ठीक है, अमूल के प्रोडक्ट प्योर आइटम जो अमृतसर में कोई भी जो है कोई भी नहीं खिलाएगा अमूल बटर के प्योर बटर, ना घी यूज होता है। क्वालिटी मिलेगी दुकान, क्वालिटी मिलेगी, वो जो भी है चीज पसंद नहीं आए तो कोई पैसे नहीं लेने। ठीक है, बाकी अपने चले जाते हैं। ये बॉम्बे की स्पेशलिस्ट ग्रीन चिली सॉस चटनी, ये देखो गाइस, ये काफी देखने में टेस्टी पहले ही लग रहा है, अभी बना भी नहीं है। ठीक है जी, ठीक है। अभी मतलब ग्रिल करने के लिए रख दिया आपने? हाँ, ग्रिल करने के लिए, यानी बराबर अंदर से भी गर्म हो जाएगा बाहर से भी गर्म हो जाएगा, खाने में बहुत टेस्टी लगेगा, क्योंकि मौसम यहाँ का बहुत ठंडा है तो बॉम्बे के अंदर जो है ग्रिल नहीं चलते, उधर सीधा कढ़ाई में से निकाल के दे देते हैं, लेकिन इस जगह एटमॉस्फेयर इतना चिल्ड है ताकि हमारे को जो है इसको ग्रिल करना ही पड़ता है। ठीक है जी, ठीक है जी। ये देख सकते हैं इसको छह सौ का है, यहाँ पे सफाई काफ़ी ज़्यादा मेंटेन करी हुई है। मेरे अंकल अभी चीज़ निकाल रहे हैं। इसमें डाल के देंगे। और स्वयं या तू बता कैसा लग रहा है इधर? ये नहीं, अभी रेडी होगी, इसके ऊपर अभी चीज डालेंगे अपन। अच्छा अच्छा, अभी ये जो है ग्रिल हो चुका है, आप देख रहे हो ये इस टाइप से अंकल ने बना दिया, इसके ऊपर अभी चीज डालेंगे। हाँ जी, हाँ जी, इससे और टेस्ट बहुत बढ़िया बेहतरीन लगता है। इसके साथ जो है ग्रीन चिली सॉस देंगे, चटनी देंगे, जो बॉम्बे की मेन है। अच्छा सॉस, और ये अंकल ने सॉस डाल दी है टमाटो केचप। ठीक है जी, और ये बन गया जी, ये देख सकते हैं गाइस, ये हमारा रेडी हो चुका है, इसको हम इधर रख देते हैं। बड़ा पाव हो गया रेडी, और सबसे पहले स्वयं टेस्ट कर रहा है, बहुत अच्छा है। मतलब मैं भी पहली बार ट्राई करूँ, थोड़ा सा और ले यार, थोड़ा अच्छी तरह से तभी पता चलेगा, थोड़ा सा करा के दोनों टेस्ट आ जाएगा।
कितना टेस्टी है। और स्वयं ने तो आपको बता दिया किस टाइप का इसका टेस्ट, अब मैं खा के बताता हूँ कैसा है। इस टाइप से है, आप देख सकते हैं। टेस्टी काफी है, और इसमें चीज डाला हुआ है वो भी काफी अच्छा लग रहा है। ये रेड चटनी है और ये मीठी चटनी है, और ये जो है मतलब उन्होंने कहा स्पेशल जो चटनी इस्तेमाल की जाती है। ये टेस्टी तो काफी लगा, और अब इधर भी आगे ट्राई कर सकते हैं। ये दुकान है अपनी जलेबी वाले चौक में। अंकल आप अपनी शॉप का एड्रेस भी बता दो मैं थोड़ा सा। आलू वाला कटरा जलेबी चौक के सामने, उदास पर जलेबी वाले के सामने आलू कटरा। ठीक है जी, ये देख सकते हैं जलेबी वाला चौक है पूरा, और यहाँ पे जो जलेबियों की दुकान है, और ये उन्हीं के सामने इनकी आप देख सकते हैं शॉप है बड़ा पाव की। नहीं वैसे सच्ची में बता तुझे कैसा लगा? अच्छा है यार, बहुत मेरे को भी टेस्टी लगा, थोड़ा सा मतलब ऐसे कह सकते हैं क्रिस्पी भी है, क्रिस्पी एज अ देसी बर्गर। हाँ बर्गर से अच्छा है। हाँ बर्गर टाइप ही है, पर उससे थोड़ा सा अच्छा था, स्पाइसी टेस्टी और मज़ेदार है। तो गाइस अब आपको मिलते हैं अब अपनी अगली वीडियो में।